नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में सी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 29वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। यह वीडियो आने वाले सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सी टेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें, जहाँ सारे भाग का पीडीएफ उपलब्ध है। इस भाग का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। इसमें पहला है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, ऑप्शन बी है अपनी पाठ योजना का पालन करना, ऑप्शन सी है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलनी को उन्हें हमारे और पक्षियों के बीच के संबंध को चार्ट बनाकर समझाना चाहिए तथा पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना आदि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से समझाया जा सके। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, जैट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? ऑप्शन ए है अर्चिस हाइपोगेया, ऑप्शन बी है पोंगामिया पिन्नाटा, ऑप्शन सी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोंगामिया पिन्नाटा। पोंगामिया पिन्नाटा का तेल भारत में अनेक योजनाओं में संयंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है, इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों को अपने निकट परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन बी है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ऑप्शन सी है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, और ऑप्शन डी है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण आज्ञा देना ताकि शिक्षार्थी बिना किसी डर के अपने सही प्रश्न का हल पूछ सके। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन बी है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ऑप्शन सी है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना,
और ऑप्शन डी है अधिक हस्तपरक अनुभव प्राप्त करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे पहले यह देखने कि विद्यार्थियों की रुचि किस विषय में है और फिर उस विषय से संबंधित गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछें। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन ए है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी है 8 बिंदुओं पर और ऑप्शन डी है 10 बिंदुओं पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है, वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई, अतः यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ऑप्शन ए है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, ऑप्शन बी है खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, ऑप्शन सी है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थाई अर्थव्यवस्था है, किस आंदोलन का स्लोगन था? ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है अपिको आंदोलन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी अस्थाई अर्थव्यवस्था है, यह चिपको आंदोलन का स्लोगन था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिकी पिरामिड केंद्र में व्यापक है? ऑप्शन ए है तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी है परजीवी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी है वन पारिस्थितिकी तंत्र और ऑप्शन डी है ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी पिरामिड के केंद्र में स्थित है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ों जैसे ट्रेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। गोवा के लोग अपने घर के आंगन में ही ट्रेपियोका और नारियल जैसे खाने की चीज़ को उगाते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है एवरेस्ट पर्वत का नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा है, ऑप्शन बी है एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई हर साल लगभग 1 इंच बढ़ जाती है, ऐसा इरिसियन और भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराने के कारण होता है, ऑप्शन सी है एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यहां का तापमान -80 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है,
और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समुद्र तल से माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट पर्वत का नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। अभी तक 19 भारतीयों ने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए अलग अलग 18 रास्ते बने हैं। एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है और यहां का तापमान -80 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है। एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई प्रत्येक साल 1 इंच बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि यूरेशियन और भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराने के कारण होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले CET एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।